कि आज दिनांक 25/11 को अयोध्या में भक्तमल की बगिया में एक आयोजन किया गया है जो VHP और RSS द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार इस समय दिन के 1 बज रहे हैं। इस समय करीब 70 से 75 हज़ार की भीड़ भक्तमल की बगिया में है और वहाँ पर VHP और RSS के जो उनके प्रवक्ता लोग हैं वो बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, करीब 25 से 30 हज़ार लोग इस समय अयोध्या में फ्लोटिंग पॉपुलेशन के तौर पे हैं जो अयोध्या के विभिन्न धार्मिक स्थलों में अपना दर्शन कर रहे हैं। किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की कोई स्थिति अब तक कुप्रभावित होने की सूचना नहीं है। बहुत प्रभावी तौर पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। जैसा आप अवगत हैं, अयोध्या में को जोन्स में बांटा गया है। सिक्योरिटी स्कीम जो अयोध्या की है वो लागू है और इस समय रेड जोन और येलो जोन दो मुख्यतः वहाँ के सिक्योरिटी जोन हैं और जिसमें एक स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट जो निहित है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका अक्षरशः अनुपालन करने के लिए राज्य सरकार और राज्य की पुलिस और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से कटिबद्ध है और किसी भी प्रकार में कोई नई परिपाटी, कोई नई व्यवस्था जो करने का जो प्रयास करेगा उसको हम रोकेंगे। आप जानते हैं कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा दायित्व राज्य सरकार, राज्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का है, उसका हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही साथ भारी संख्या में CAPF का बल, PAC का बल, हमारे ATS के कमांडोज हैं, ड्रोन कैमराज का उपयोग हो रहा है भीड़ का असेसमेंट करने के लिए। जैसा आप अवगत हैं कि 13 पार्किंग स्थल नियत किए गए हैं और अब तक प्राप्त जानकारी अनुसार करीब 2000 बसें विभिन्न जगहों से अयोध्या आ चुकी हैं जिनको इन 13 पार्किंग स्थलों में कहा कि कोई भी व्यक्ति जो निहित व्यवस्था है चेकिंग की विदाउट एक्सेप्शन विदाउट एग्जेम्पशन कोई व्यवस्था लागू है सभी पर। अगर चेकिंग फ्रिस्किंग सबके लिए की जा रही है तो उसमें सभी लोग शामिल हैं। शिवसेना के कुछ लोग जो बाहर से आए थे, दो ट्रेनों से आए थे, एक नासिक से आए थे जो कल रात को 11 बजे वहाँ से करीब 1500 लोगों के साथ कल रात को 11 बजे प्रस्थान कर चुकी है महाराष्ट्र के लिए और सुबह 4 बजे उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जा चुकी है। जो दूसरी ट्रेन है जिसमें शिवसैनिक आए थे वो आज शाम को 6 बजे अयोध्या से जाएगी और ट्रेन में पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा जो लोकल शिवसैनिक और शिवसेना के मेम्बर्स आए थे उनमें से अधिकांश लोग चले गए हैं, बहुत इक्का दुक्का लोग बचे हुए हैं। देखिए, इस संबंध में सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं। IB का अलर्ट जो आया था वो कुछ दिन पहले आया था और वो एक नॉन स्पेसिफिक अलर्ट है और नॉन स्पेसिफिक अलर्ट को बहुत ज़्यादा मुझे खोलना उचित नहीं होगा, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। भारी संख्या में राज्य सरकार के इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग और भारत सरकार के इंटेलिजेंस एजेंसीज के, गुप्तचर एजेंसीज के लोग वहाँ तैनात हैं और वो पैनी निगाह रखे हुए हैं पूरी व्यवस्था। कोई भी ऐसी चीज़ हमारे संज्ञान में आती है या गुप्तचर एजेंसीज के संज्ञान में आती है, एक्शनेबल होती है, उस पर फौरी कार्रवाई हो रही है। अभी तक मेरी जानकारी अनुसार कोई ऐसा, कोई भी ऐसा तथ्य, कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं।